फिल्म पद्मावती की रिलीज को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। राजस्थान के कई क्षेत्रों में प्रदर्शन चल रहे हैं, कई राजघराने इस विवाद में उतर गए हैं। इस मौके पर अपनी सीरीज राजा रानी की कहानी के तहत बता रहा है राजस्थान की शाही परिवारों के बारे में। इस कड़ी में आज बता रहे हैं ओडिशा की राजकुमारी निवृत्ति कुमारी के बारे में, जो अब उदयपुर राजघराने की बहू हैं। जाने इन राजकुमारी के बारे में बताया जाता है कि लक्ष्यराज और निवृत्ति की पहली मुलाकात एक शादी के दौरान हुई थी। ये शादी किसी और की नहीं बल्कि लक्ष्यराज की बड़ी बहन पद्मजा की थी और निवृत्ति दुल्हे कुश परमार की मेहमान थी। इस शादी के दौरान हुई छोटी सी मुलाकात में दोनों की बातचीत भी हुई, जिसके बाद दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया। दोनों के परिवार के बिजनेस और इंटरेस्ट भी एक थे, क्योंकि निवृत्ति की मां का जन्म भी राजस्थान में हुआ था। वे चाहती थी कि उन्हें भी यहां के कल्चर के बारे में पता चले, जिसके बाद लक्ष्यराज और निवृत्ति के परिवार ने मिलकर शादी का फैसला लिया। इस शाही शादी के लिए 51 पंडितों ने कराई पूजा। उदयपुर राजघराने में हुई इस शादी की तैयारियां कई महीनों तक चली थी। करीब 51 पंडितों ने वैदिक मंत्रों के उच्चारण के साथ बरात को रवाना किया था। आमेर के हाथी मंगलवार ने पूरे श्रृंगार के साथ सज धज कर निकासी में सलामी दी थी। राजकुमारी के लिए 21 लाख का लहंगा तैयार किया गया था, जिसमें सोने और चांदी के तार लगाए गए थे। यह लहंगा उदयपुर के शाही परिवार की तरफ से भेजा गया था। इस लहंगे की खासियत यह थी कि यह बेस रॉयल कलर, रेड टोन, ट्रेडिशनल रेड और रॉयल केसरिया हल्दी में था। इस पर सोने चांदी के साथ बारीक जरी का भी काम हुआ था। राजकुमार के लिए सोने की शेरवानी, जकुमार लक्ष्यराज सिंह के लिए 11 सूट बनवाए गए थे, जिनमें वेडिंग शेरवानियां, सूट, ब्रिजेश व नैरो जैकेट तैयार किए गए थे। इनके बटन सोने चांदी के थे, जिन पर कोट ऑफ आर्म्स, राज चिन्ह का निशान बना था। इस शाही शादी में सभी पुरुष वर्ग के लिए एक ड्रेसेस बनवाए गए थे। एक सूट का खर्च लगभग 1 लाख रुपए था। वहीं एचआरएच ग्रुप प्रबंध रियासी अरविंद सिंह मेवाड़ ने अपने समधी कनक वर्धन सिंह देव के लिए भी स्पेशल मारवाड़ी स्टाइल का सूट तैयार करवाया था। मेवाड़ राजघराने के परिवार के लगभग 37 साल बाद सिटी पैलेस के शंभू निवास में नई बहू ने कदम रखे। इससे पहले अरविंद सिंह मेवाड़ विजया राजकुमारी को ब्याह कर लाए थे। हालांकि इससे पूर्व भी लक्ष्यराज की बहनों का विवाह हुआ था।